I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, और आपके उन्हीं कष्टों का निवारण करने के लिए हमने बैंक के जरिए आपकी मदद करने का प्रबंध किया है। तालियां। रुपया लेने के बाद ठाकुर साहब ने तुम सब लोगों को हवेली के बाहर बुलाया है दावत के लिए, जरूर पधारिएगा। क्यों भाई लोग, सबको रुपए मिल गए ना? हाँ। तो अपने अपने रुपए हमारे पास जमा करा दो। जमा करा दो? पर कहाँ है मुनीम जी? अरे ठाकुर साहब का हुक्म है, उन्होंने ये रुपए दिलवाए हैं और वही तुम लोगों के लिए गाय वगैरह खरीदेंगे। जल्दी जल्दी। सरदारी लाल जी, मैं अपनी गाय खुद खरीदूंगा। मेरी गाय सारे गांव से निराली है क्या? सीधी तरह से पैसे देता या नहीं? नहीं। अबे साले, शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हाथ उठाते हुए? क्या शोर मचा रखा है, किस बात का झगड़ा है? ये सुंदर रुपए जमा कराने से इनकार कर रहा है और बिजली उसका साथ दे रही है। अरे तो इसमें झगड़े की क्या बात है? रुपया उनका है, वो नहीं जमा कराना चाहते तो ना कराएं। तुम जबरदस्ती करने वाले कौन होते हो? आपको इन्होंने बहुत मारा क्या? देखिए मुझे बहुत अफसोस है कि ये इस तरह पेश आए। आप जा सकते हैं, जाइए। चल बापू। अरे वाह सुंदर चाचा, वाह, ले आए गाय मंडी से। हाँ भाई, देख लो कैसी है। अरे ये तो बहुत अच्छी है भैया। अरे हमका देखो सुंदर चाचा, हमारे रुपये भी ले लिए, गाय तो क्या हमारा हाथ बछड़ा भी नहीं लगा। चल भाई चल भाई, आगे चल। मैगी थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। अरे और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक तो आधा ग्लास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ। तू ऐसे नहीं मानेगा, बहुत जबान चल रही है। चल भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे इसके बाप का दूध थोड़ा ये भाई। अरे ये क्या दादागिरी है, चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता है भाई। अरे, अरे। एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे अरे रंजीत शक्ति कादर कृष्णा साधु कहा हो तुम लोग? क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? जो मैं कह रहा हूं उसे कान खोलकर सुनो। इस गांव को आप लोगों ने नर्क बना रखा है, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सुधारूं, आप खुद ही सुधर जाएं तो अच्छा है। मेरा नाम राम है। अरे गोपी। हाँ? आओ। हाँ? गोपी। हाँ? ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर, हमारे गांव के देखभाल के लिए आए हैं। नमस्कार। ये बोल नहीं सकता, बहुत मेहनती है, पर ठाकुर ऐसा इसकी मेहनत की रोटी तक नहीं देता। अरे अरे डरो मत, ये तो मंदिर के नाग देवता है, किसी को नहीं काटते। ये शारदा दीदी है, हर रोज मंदिर में नाग देवता को दूध पिलाने आती हैं। ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर। नमस्ते। राम बाबू, ठाकुर ने इनके साथ भी बड़ी नाइंसाफी की है। इनके पिता ठाकुर के दोस्त थे, इसलिए मरते वक्त अपनी बेटी उसे सौंप गए, पर उस कमीने ने इनकी सारी जायदाद हड़प कर ली। और भगवान का इंसाफ भी देखिए, इस देवी जैसी मासूम को छोटी सी उम्र में विधवा बना दिया। अरे नए नए तो जूते भी काटते हैं, छोटी सी बात को लेकर अपने दिल पर बोझ मत डालो, घबराओ नहीं, उस अफसर को मैं बहुत जल्द ही पालतू बना लूंगा। नमस्ते राम बाबू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सरकार हम आप ही की तलाश में थे। क्या बात है श्यामलाल जी? हम सबन लोग बहुत मुसीबत में है सरकार, ठाकुर हमारा पैसे भी ले लिया है और हमको हमारी गाय भी नहीं देता और ऊपर से धमकी देता है सरकार। अजीब बात है, जाओ ले लो अपने अपनी गाय। चलो भैया। सरकार सरकार गजब हो गया, सरकार गजब हो गया। क्यों शोर मचा रहे हो, सारी हवेली सर पर उठा रखी है तुमने। हम जानते हैं तुम क्या खबर लेकर आए हो, उस शहरी बाबू ने हमारी सब गाय भैंसे गांव वालों में बांट दी हैं, यही ना? हाँ। कोई बात नहीं,
बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा इस उम्र में इतना बोझा क्यों उठाते हैं आप? सरकार ने आप लोगों को जमीन दी है, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? सरकार ने दी तो है, बीच में हड़प करने वाले भी तो बैठे हैं। किसने हड़प किया आपकी जमीन? ठाकुर ने जबरदस्ती कागजों पर इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए और इन लोगों की जमीन हड़प कर ली। अभी बेचारे कहां करें? बिना इजाजत हमारी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है ठाकुर साहब, और मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। ये गांव इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ हम भी रह सकें और हमारे दुश्मन भी। ठाकुर, तुमने गरीबों का खून चूस कर उनको दी गई जमीनें हड़प करके बहुत दिन ऐश कर लिए, लेकिन अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। दिन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बेवकूफ लड़के। पिस्तौल तो हाथ में बच्चे भी पकड़ सकते हैं, मगर उसे चलाना बच्चों का काम नहीं। ऑफिसर शट अप। हमने भी अगर इस हरामजादे अफसर के हाथ पांव ना कटवा दिए तो हमारा नाम भी ठाकुर विजय सिंह नहीं। लीजिए श्यामलाल जी, ये जिन जिन के कागजात हैं उन्हें दे दीजिए। हाय, कोई डाका है मोती? Thank you. That's a good boy. शहर के ऑफिस से तार आया है, फौरन जाना पड़ेगा। मोदी, ब्रीफकेस ले आना बेटे। आज ये चांद इस वक्त कैसे निकल आया? तुम्हारे लिए हलवा बनाया था, वही लेकर आई हूँ। हलवा तो मैं खा लूंगा, मगर इस तरह बनठन के निकलोगी ना तो किसी की नीयत खराब हो जाएगी। किसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे? अरे थैंक्स मोती। तुम कहीं जा रहे हो? अच्छा वो तुम चली आई, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता ये बताने के लिए कि मैं शहर जा रहा हूँ। क्या तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? अरे पगली, गांव छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुम जो यहाँ हो। ये मेरे बस की बात नहीं है, नौकरी का मामला है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना भी क्या आज ही जरूरी है? कल मेरा जन्मदिन है और मैं घर में अकेली होंगी। क्यों, बापू कहाँ है? बापू भी शहर गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं मोती को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ओके देखो मोती, मैं शहर जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊंगा। बिजली घर में अकेली है, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। ए मोती, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मोती? छोड़ छोड़ मुझे, मुझे नहाने जाना है, तू यहीं बैठ। ए मोती, क्या देख रहा है तू? जा यहां से। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, आने दे तेरे मालिक को। तेरी शिकायत न की तो देखना, राम बाबू ने तुझे मेरी देखभाल करने के लिए भेजा था या मुझे परेशान करने के लिए? ज्यादा भोला मत बन बदमाश कहीं का, बहुत ज्यादा छूट दे रखी है तुझे। चल मैं तेरा इलाज करती हूँ, चल। बहुत मस्ती चल गई है तुझे, अब पड़ा रहे सवालात में। मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं हूँ, नाक में दम कर रखा है। किसने नाक में दम कर रखा है? वो जो मोती है ना, राम बाबू का लाडला, उसने। जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करने देता। यहाँ तक कि मैं नहाने गई तो मेरे कपड़े लेकर भाग गया, इसलिए मैंने उसे अंदर बंद कर दिया है। अब राम बाबू ही आकर उसे खोलेंगे। Thank you.
बिजली बिजली बेटे। अरे ये क्या जमीन पे सो गई? मेरा इंतजार करते करते। अरे देख मैं तेरे जन्मदिन पे क्या लाया हूँ। उठ बेटे। अरे देख तो सही। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दे गोपी, मुझे छोड़ दे। मैं जान से मार दूंगा। इसे क्यों मार रहे हो भैया? तुम नहीं जानती शारदा, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं इसे बिजली के रखवाले के लिए छोड़ गया था। उसकी जान चली गई, ये सोता रहा। नहीं ये गलत है, बिजली तो खुद से यहाँ बंद करके गई थी। क्या? हाँ ये मेरी आंखों के सामने की बात है, इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। अरे हाय गोपी और शारदा। गोपी और शारदा इतनी रात गए? देखो गोपी और शारदा इतनी रात गए? गोपी और शारदा इतनी रात? आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुम्हारी गदराई हुई जवानी को देखकर क्या हमारा दिल नहीं मचल सकता? जान गई हूँ मैं, तेरे घर में भी इंसाफ नहीं है। लेकिन याद रख, आज तेरे सामने तेरे ही त्रिशूल से मैं अपनी जान दे दूँ। नहीं, नहीं, पागल हो गई क्या शारदा? इसे छोड़ दो इसे। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं, अकेली जो और मुसीबतों का सामना कर। कौन कहता है कि तुम अकेली हो? गोपी ने अपनी जिंदगी पर खेल कर तुम्हारी इज्जत बचाई है। आखिर कब तक गोपी मेरी इज्जत बचाता रहेगा? जिंदगी भर के लिए। ये लो सिंदूर। गूंगे ने शारदा से शादी कर ली? उस दो कौड़ी के भिखारी की ये हिम्मत कैसे हुई? सरकार ये उसकी हिम्मत नहीं है, ये सब शहरी बाबू का खेल है। अब खूब तमाशा होगा गांव में, आपका सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाएगा सरकार। नहीं, नहीं, लोग तो ठाकुर साहब की जय जयकार करेंगे। अरे जय जय। जो कोई भी हमसे टकराएगा उसका अंजाम वही होगा। इंस्पेक्टर साहब, छुरी मुजरिम के हाथ में है, किसी ने राम बाबू का खून किया है। हाँ। सुनने में आया कि इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी, अब क्योंकि आपने रंगे हाथों पकड़ लिया है गिरफ्तार कर लीजिए। मिले राम की आत्मा को आराम और अब गूंगे का काम तमाम। पुलिस की हिरासत से भाग निकला साला। एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी।
मैं ठाकुर की तरह नीच इंसान नहीं हूं। उसने तुम्हारे पिता को जहर देकर मार दिया था और बचपन में हुई तुम्हारी शादी के सुहाग को उजाड़ दिया था। हाँ, उसकी नजर तुम्हारी जायदाद पर थी, आज भी है, और मेरी तुम पर। तेरी ये मजाल? बहुत सालों से तेरा इंतजार था, आज मुझे मौका मिल गया है। बापरे, बापरे, अरे ये तो मोहन है। हाँ जी, पकड़ लो साले को, पकड़ लो। बता, वो गूंगा गोपी, वो शारदा और वो कुत्ता कहाँ छिपे हुए? मैं नहीं बताऊंगा। ये ठीक है, ये ठीक है। अबे मोती तंबू में कहाँ घुस गया? अबे मैं ठाकुर की नौकरी छोड़ दूंगा, तेरी नौकरी करूंगा। ठाकुर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि राम बाबू को पहले ही किसी ने गला घोट के मार डाला था। चाकू से हमला तो बाद में किया गया है। ये कैसे हो सकता है? राम बाबू का खून और कौन कर सकता है? इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे, आप इतना रखिए। ठीक है, आपका तो पता नहीं आप कब क्या करेंगे। लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमने गूंगे गोपी और शारदा को पकड़ लिया। हमें अकेला छोड़ दो, सिर्फ गूंगा तमाशा देखेगा।